अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारुफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है ब्रास टैक्स में सैयद थ्रेट्स टू पाकिस्तान के नाम से। जब कुछ अर्सा गुजर जाता है, हालात का फिर जायजा लेते हैं हम, जैद साहब जो है इसका एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस जो है तैयार करते हैं और उसको हम दिखाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं सैयद थ्रेट्स टू पाकिस्तान में। बताते चलो मैं आपको कि उसके हम थ्री पार्ट्स जो हैं वो ऑनर कर चुके हैं और आज फोर्थ पार्ट है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत क्रिटिकल हैं, लोगों के अंदर काफी इस हवाले से तश्वीश पाई जाती है। जैद साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। जी जैद साहब, देखिए मारुख, हमने जिस तरह आपने कहा कि CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 1, 2 और 3 हम रिकॉर्ड करके एयर कर चुके हैं। आज इसका चौथा प्रोग्राम है। अमेरिकन्स ने जब ये नई पॉलिसी ओबामा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करना शुरू की उस इलेक्शन के बाद, उसके लिए जो कलीदी रोल, कलीदी किरदार उन्होंने जिस शख्स को दिया वो रिचर्ड होलब्रुक है। ये बात हम अपने लोगों को बताते चलें कि रिचर्ड होलब्रुक ये वो शख्स है कि जब अमेरिकन्स ने यूरोप में यूगोस्लाविया को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और ये फैसला किया था कि यूगोस्लाविया जो कि प्रो सोवियत प्रो रशिया मुल्क था उसको तोड़कर छोटे छोटे कई ममालिक में तकसीम किया जाएगा, बॉस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, तो उस सारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और यूगोस्लाविया को तोड़ने का जो फाइनल मुआहदा किया गया था डेटा ऑन पीस एग्रीमेंट, उस तमाम प्लानिंग को करने वाला रिचर्ड होलब्रुक था। और यही रिचर्ड होलब्रुक अब भेजा गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अंडर एफ पैक डॉक्ट्रिन, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं। और उसका मकसद वही है जो उसने यूगोस्लाविया में किया था कि पाकिस्तान को यहां लाकर छोड़, उसकी प्लानिंग थी, ये उनकी डॉक्ट्रिन है। यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन अब एफ पैक डॉक्ट्रिन के तहत लाके एग्जैक्टली अप्लाई की जा रही है और जो शख्स इसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका नाम रिचर्ड होलब्रुक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो फर्क बुश डॉक्ट्रिन में और ओबामा डॉक्ट्रिन में है वो ये है कि बुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दो अलग अलग मुल्क समझ के ट्रीट करता रहा था, लेकिन ओबामा आने के बाद जो तब्दीली इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन में की है कि वो पाकिस्तान को भी उसी तरह थिएटर ऑफ ऑपरेशन या थिएटर ऑफ वॉर कंसिडर कर रहे हैं जिस तरह वो अफगानिस्तान को कंसिडर कर रहे थे। इनके नजदीक ड्यूरेंट लाइन की अब कोई हैसियत नहीं है, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में किसी मकाम तक जहां तक ये चाहेंगे ये बेदरेक हमले करेंगे और अपनी फौजों को दाखिल करने का हक रखते हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहां इनके बकौल, चाहे चित्राल से लेकर क्वेटा तक तालिबान या उसामा या मुल्ला उमर या कोई और फर्ज जिसको ये अपना खतरा समझते हैं, जो मीडिया के जरिए तूफान क्रिएट करके जो परसेप्शन और झूठ बोलते हैं उसके मुताबिक ये जहां चाहेंगे हमला करेंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो डॉक्ट्रिन अप्लाई की है और जो यूगोस्लाविया में इससे पहले अप्लाई की थी उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी कुछ बुनियादी कलीदी किरदार या रोल्स हैं या पॉलिसीज हैं जो इन्होंने इंप्लीमेंट करनी है। उसका सबसे पहला रोल जो पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स 5 या 6 एलिमेंट्स ये अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ये कि कमजोर और वीक हुकूमत का प्याम कि जो किसी तरह भी पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के काबिल ना हो और मरकज इतना कमजोर कर दिया जाए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर तमाम सूबों को सियासी तौर पर ही बिखेर दिया जाए। आजकल आप अगर देख रहे हैं पाकिस्तान में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का शोर बहुत ज्यादा है। इन हालात में कि जब चारों तरफ से मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, बगावतें मुल्क के अंदर बरपा हैं, मरकज कमजोर हो चुका है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मुल्क के लिए खुदकुशी होगी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें करने वाले वही लोग हैं जिनका बैकग्राउंड मशकूक है। ये वो तमाम लोग हैं कि जो पहले रूस के साथ मिलकर या आज अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं और अब कुछ हुकूमत में शामिल हो गए और कुछ नीचे बगावतें बरपा करके पाकिस्तान के अंदर ये तस्तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत अब इस काबिल नहीं रही है कि एक फंक्शनल स्टेट के तौर पर रह सके। तो ये पहला मरकज था कमजोर हुकूमत का कयाम, वो इन्होंने कर लिया। दूसरा उनका जो स्ट्रांग स्ट्रैटेजी पॉलिसी टैक्टिक मूव था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह तबाह कर दिया जाए कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमतें भी इस मुल्क को ना संभाल करें, जिसके लिए IMF से जिस तरह मुआहदे किए गए, जिन शराइत पे मुआहदे किए, भारी तादाद में कर्ज लिया गया है जो कि वो कर्ज मुल्क में, वो पैसे मुल्क में कहीं इस्तेमाल होते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी और डिफेंस का ऑलमोस्ट नहीं है, करप्शन इस लेवल पर है, पेरिस क्लब को वापस जा रहे हैं, मुल्क को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो ये इकोनॉमी वॉज सेकेंड फैक्टर, वीक कमजोर हुकूमत का कयाम, इकोनॉमी दूसरी। तीसरा जो स्टेप इनका था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंसर्जेंसी और बगावतों को बरपा कराकर यह तस्वुर दिया जाए कि पाकिस्तान अब बिल्कुल फेल्ड स्टेट है और टूट के अलग होने वाला है, उसका न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अब दुश्मनों के हाथों में या दहशतगर्दों के हाथों में जाने वाला है। इसके लिए कराची में इन्होंने फसाद करवाने, लिसानी और कौमियत के बुनियाद पर फसाद कराने का एक बड़ा गेम है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करने का प्लान, और तीसरा तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज सवात वैली से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक ये तासुर देना कि तालिबान आ रहे हैं पाकिस्तान पर, तालिबान कब्जा करने जा रहे हैं, पॉलिसी है जो ये करंट पॉलिसी का हिस्सा है ये, राइट। चौथा जो इनका मेन पिलर है, जो उस पूरी ओबामा डॉक्ट्रिन या होलब्रुक डॉक्ट्रिन का, एफपैक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल करके इतनी डिसइंफॉर्मेशन, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि इलेक्ट्रिकली पूरी कौम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बिल्कुल लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाए और कौम ये समझने लगे मायूसी के आलम में कि अब मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये मुल्क टूट के अलग होने वाला है। एब्सोल्युटली ट्रू जैद साहब, और एग्जैक्टली यही देख रहे हैं आप, हम उनका सारा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं। बहुत क्योस है, हर जगह लोग बहुत परेशान हैं। जब दुश्मन का गेम प्लान खोल दिया जाए तो रिस्पॉन्स एक एक करके डेवलप करना आसान होता है, और हम इसीलिए उनकी पूरा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं। पांचवा जो स्टेप इनका है, जो सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट है, कि इन्होंने हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम तक पहुंचना है, और जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ये न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान से शदीद खतरे में रहते हैं। पर्टिकुलरली एफपैक डॉक्ट्रिन इसराइली ज़ायनिस्ट डॉक्ट्रिन है, और मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने से पहले इनके दो इदारे पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रलाइज करना या उनको खराब करना या उनको पाकिस्तान की कौम से लड़वाना बहुत जरूरी है, एक ISI, दूसरा पाकिस्तान। लिहाजा जो इस वक्त पूरी दुनिया में कैंपेन बिल्ड की जा रही है, और आप देखेंगे कि हमारे अपने मुल्क में लोग नादानी में किस बुरी तरह इस कैंपेन का शिकार होते हैं कि मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है, मुल्क में जो बम फटता है, मुल्क में जो फसाद होता है, अपने ही लोग कहने लगते हैं कि ISI करा रहे हैं। बिल्कुल, खुद पे ही ब्लेम करने, यानी ना इंडियंस को ब्लेम करेंगे, ना CIA को ब्लेम करेंगे, ना रॉ को ब्लेम करेंगे, ना मुसाद को ब्लेम करेंगे, ना किसी और यानी जैसे वो सब हमारे दोस्त हैं और हमारा दुश्मन हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी मुसल्ला अफवाज और ISI हमारी दुश्मन है। वेरी राइट, यानी इंसान शिकवा भी कोई बेजा भी करे तो लाजिम है, शऊर वाली बात है, क्योंकि एक मरतबा ISI और आर्म फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने, डिफेंस करने वाला कोई नहीं होगा। और जब एक दफा हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने रिमूव कर दिया, अल्लाह न करे जो कि नहीं कर पाएंगे कभी इंशाल्लाह, फिर पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान में बराह रास्त इन्वेजन करना या फौजें दाखिल करना या बगावतें बर्पा करवाना, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो इनके लिए वो रास्ता उसका खुल जाता है। अभी वो घबराते हैं कि पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करते, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में इनको पता न लग जाए। सो ये पांच एलिमेंट्स हैं, कमजोर हुकूमत, फाइनेंशियली जो प्रोविंशियल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, आज आप चारों तरफ देखिए प्रोविंशियल इकोनॉमी की बातें हो रही है, इकोनॉमी को तबाह करना, बगावतों को सपोर्ट करना, मीडिया के जरिए झूठ डिसइंफॉर्मेशन मायूसी फैलाना, और पाकिस्तान फौज और ISI और हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को, चारों के इम्प्लीमेंट तो हो चुके हैं। देखिए नहीं, अल्लाह के फजल से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो। आइए अब आपको सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताते हैं कि अल्लाह के फजल से हो क्या रहा है। ये इनका प्लान, तो ये इनका प्लान है जो हमने बताया, right. वो नहीं कि जो अल्लाह के फजल से ग्राउंड पे हो रहा है। पाकिस्तान के जो पेट्रियट्स, नेशनलिस्ट, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस्लामिस्ट, वो तमाम एलिमेंट्स के जो पाकिस्तान से वफादार हैं, ये खेल अल्लाह के फजल से देख पहले जब इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और इसका रिस्पॉन्स भी बिल्ड किया जा रहा है। अगर आप हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीडिया और इन्फॉर्मेशन वॉर, क्योंकि सबसे पहले ये वो एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी मीडिया पे। हमारे मीडिया को या तो ये नादान दोस्त है या दाना दुश्मन है इसमें, वो तमाम हमारे दहशतगर्द एलिमेंट, यानी बुनेर में 400 के करीब तालिबान दाखिल हुए थे, 6.5 लाख की आबादी है बुनेर की, और तूफान ये बर्पा कर दिया गया कि बुनेर फॉल हो गया, बिल्कुल, और अब ये तालिबान इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। कैसे झूठ बोलते हैं ये, कैसे कौम को मायूस करते हैं, हमें सोचना पड़ता है, किलोमीटर्स में बताया जा रहा था, हमें सोचना पड़ता है कि ये काम दुश्मन के लिए कर रहे हैं, किसकी तनख्वाह पे कर रहे हैं, या जाहिल इतने हैं कि इनको थ्रेट असेसमेंट नहीं कर सकते, एवेल्युएशन नहीं कर सकते कि 400 तालिबान 6.5 लाख की आबादी पर कैसे कब्जा कर लेंगे, जबकि मुसल्ला आबादी वहां मौजूद है जिनको रोकने के लिए बैठी हुई है। और दूसरी तरफ उससे पहले ये झूठ के पेशावर फॉल हो गया, ट्राइबल एरिया हमारे हाथ से निकल गए, और सवात में सरेंडर कर दिया हमने, सवात की पीछे मिलिट तबाह बर्बाद हो गई, मिलिटेंट जीत गए, आर्मी हार गई, कैसे झूठ बोलते हैं। फिर जो सेपरेटिस्ट हैं, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बरामदाद मुफ्ती काबुल बैठा है, हिब्रियार मरी लंदन में बैठा हुआ है, इन गद्दारों को प्राइम टाइम पर एयर टाइम दिया जा रहा है कि आप जो चाहे जहर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलिए, हम चैनल आपको फ्रंट स्क्रीन पे आप उनको ला रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन पे देते हैं, और वो खुलम खुला ऐलान कर चुके हैं कि हम इंग्लैंड और अमेरिका के साथ मिलकर बलूचिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान तोड़ने की प्लानिंग हमारी हो रही है। इन पर तो गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए, इंस्टेड ऑफ उनको प्राइम टाइम दे रहे हैं। नादान दोस्त या दाना दुश्मन मीडिया में हमारे, और देखिए, और उन्हीं एलिमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है इस मीडिया के जरिए
अमेरिकन बैकिंग के जरिए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्पा कर रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान के जरिए दहशत पैदा करो और बलूच सेपरेटिस्ट को। देखिए बलूचिस्तान के बारे में हम एक आपको बात बिल्कुल बताएं कि बलूचिस्तान 42% पाकिस्तान का एरिया बनता है, उसमें आबादी 4% है, लेकिन 4% उस 4% से भी 2.5% जो है वो पश्तून और नॉन बलूचिज हैं, और जो 1.5% बलूच हैं जिनकी टोटल आबादी बनती है उसमें भी 99% पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल, इतने बलूच बलूचिस्तान में नहीं बसते जितने सिंध के अपर में, कराची में, या सदन पंजाब डेरा गाजी खान के इलाकों में रहते हैं। बड़े बड़े बलूच ट्राइब्स यहाँ पर आबाद। तो पाकिस्तान तोड़ना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। इसी तरह जिस तरह कह दिया कि 400 तालिबान बुनेर में गए तो कह दिया बुनेर फॉल हो गया, नॉट इवन 4%, नॉट इवन 1.5%, चंद हजार, चंद सौ जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बर्पा कर चुके हैं, जिनकी क्यादत या काबुल में बैठी है या लंदन में बैठी हुई है, जो बलूच है बुनियादी तौर पर गैरतमंद, दलेर और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, और शिकायतें हैं सबको, और बलूचों की शिकायतों का इलाज यह है कि इन्हें सीने से लगाया जाए, इनकी उनको जॉब्स दी जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनकी जमीन पर उनको उनको हक दिया जाए कि वो अपने जिंदगी उस तरह गुजार सके जिस तरह वो गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग होना तो कोई इलाज नहीं है, और ये उनकी क्यादत को भी मालूम है बिल्कुल कि अमरीकन उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, CIA और रॉ उनको इस्तेमाल कर रही है, और अगर उनकी खुशफहमी ये है कि साहब अगर बलूचिस्तान को आजाद करके इनको यहाँ का हुक्मरान बना दिया जाएगा तो उनसे बड़ा उनको मीर जाफर और मीर सादिक हैं जो इस्तेमाल किए जाने बाद में लिटरली इनको जिल्लत और रुसवाई के साथ मार दिया जाएगा। लेकिन आज ये दुश्मन के एजेंट्स बने हुए हैं। जिस तरह तारीखी तौर पर फ्रंटियर में अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनिस्तान की आवाज बुलंद किया करती थी और हमेशा सेपरेटिस्ट पख्तूनिस्तान बनाने की उन्होंने बात की, अब जो मार पड़ी है इनको फ्रंटियर में और जो बिल्कुल सीधे और बिल्कुल सीधे हो गए सही बात, और अब हम कहेंगे अवामी नेशनल पार्टी से कि अपनी 60 साल की गलतियों का कफारा अदा करें और तौबा करें कि जो कुछ उनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान की रियासत के साथ है, अब बगावतें बंद करें। पहले रूस के साथ मिलकर कर रहे थे, अमरीकियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, अब इनको होश में आ जाना चाहिए। और अल्लाह ने भी उनके साथ और अल्लाह ने भी उनके साथ जो सलूक किया है कि सारी उम्र वो कसम खाते रहे थे कि हम सेकुलर और मार्क्सिस्ट निजाम कायम करेंगे और शरीयत के निजाम का सिग्नेचर इनके हाथों करवाया गया। बिल्कुल, तो अल्लाह ने भी ये दिखाया कि मेरी शान बेनियाजी है, मैं जो चाहूं करवा सकता हूं। और यही हो रहा है, जो अमेरिकन गेम प्लान है अफगानिस्तान में बुरी तरह वो शिकस्त से दो चार हो रहा है। इस स्प्रिंग में, इस बहार के मौसम में जो तालिबान ने ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं उसका फोकस उन्होंने काबुल पे किया, काबुल के अंदर वो पेनिट्रेट कर गए, काबुल के डिफेंसिस ब्रीच कर दिए उन्होंने। और वो जो स्ट्रूप सर्च था, यानी वो कह रहे थे अमेरिकन के मजीद फौजें ला के पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर लगाएंगे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, अमेरिकन मजबूर हो गए हैं कि अपनी फौजें पीछे हटा के काबुल के गिर्द लगाएं। और वो खतरा जो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बढ़ गया था, अल्लाह की तरफ से वो खतरा कम हो गया। यानी एक तरफ तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपस में फूट पड़ गई, ये जो तीन आदमी मारे गए बलूचिस्तान में, ये लड़ाई इनकी हुई है बुनियादी तौर पर अकबर बुगटी के ग्रैंड सन है बरहमदाद बुगटी, क्योंकि ये नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है, नवाब अपने आप को भी नवाब समझते हैं। ये तीन आदमी जो मारे गए ये कॉमनर थे, ये आम रिफ्रैफ थे जो नीचे स्ट्रीट पर रहकर वर्कर्स थे जो काम करते थे, लेकिन यहां पर इनको पैसा रुपया अमेरिकन CIA के साथ उनके ताल्लुकात इतने बढ़ गए थे कि अब इनका स्टैचर बहुत बड़ा हो गया था। राइट, और खुद सेपरेटिस्ट को मालूम है ये बात कि इन फाइटिंग में इख्तियार और ताकत के कंट्रोल पे कि वो नवाब का जो बेटा था वो रिफ्रैफ को अफोर्ड नहीं कर सकता था कि ये उठ के उसके मुकाबले पे एक लीडरशिप बने। पैसों पर लड़ाई हुई, जॉन सुलेकी के अगवा करने का जो सारा ड्रामा रचाया गया वो ड्रामा था, उस सारे प्रोसेस के बाद जो लड़ाई हुई इसमें ये तीनों मारे गए। इनको भी मालूम है ये बात अच्छी तरह, इट वाज अ पावर गेम, इसमें पावर गेम ही पावर स्ट्रगल है विद इन देम। इनकी तमाम क्यादत या मुल्क से बाहर है, जो मुल्क में उठती है ये खुद मरवा देते हैं उसको, और अल्लाह के फल से इनकी तादाद चंद सौ से ज्यादा नहीं है। सो अमेरिकन ये गेम बुरी तरह फ्लॉप कर गया। अमेरिकन को अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने इंस्टॉल की थी पाकिस्तान के अंदर जिसके जरिए ये सारा ड्रामा करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, और अब अमेरिकन खुद पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ राबता कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आइंदा फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप क्या बनेगा। ये विजिट्स इसलिए हो रहे हैं कि ये सेटअप डिलीवर नहीं कर रहा, अगले सेटअप की बात करें। सो अल्लाह के फजल से जो उनका मकसद था कि युगोस्लाविया की तरह कमजोर हुकूमत कायम करके युगोस्लाविया को तोड़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नॉट ए युगोस्लाविया। एंड मिस्टर होलब्रुक, योर डॉक्ट्रिन इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर इंशाल्लाह, दिस मैसेज इज फॉर यू। और ये हम बड़ा डायरेक्ट मैसेज इसको दे रहे हैं, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनको अफगानिस्तान में रुसवा किया, बलूचिस्तान में रुसवा हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तरह कुचली जा रही है और क्रश की जा रही है हर तरफ, उनको पीछे हटाया जा रहा है हर महाज पे, और पहली मरतबा पूरी कौम ने यक आवाज होकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा। अब हर कोई सियासी जमाते भी हो, मीडिया भी हो, अब खुल के इनके खिलाफ बात हो रही है, इनके थ्रेट को एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन ये सब मान गए कि ये दहशतगर्द। बिल्कुल बिल्कुल, हम सवाद की शरीयत को तो 100% सपोर्ट करते हैं,
क्योंकि वो शरीयत हमारे दीन और इज्जत और आबरू और ईमान का हिस्सा है और सवाब के अपने लोगों की डिमांड थी। ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ये ग्रुप कर रहे हैं, ये ग्रुप किसी तरह भी शरीयत को, इस्लाम को, मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। दहशतगर्द ग्रुप है जो CIA पैटर्नाइज कर रही है, रॉ पैटर्नाइज कर रही है। अब पार्लियामेंट का काम किया, अगर ये पार्लियामेंट सिंसियर है, किसी हद तक डिलीवर कर सकती है। जिस तरह सवाद की डील में इन्होंने आने के बाद फैसला किया था कि शरीयत डील साइन कर दी जाए, इसी तरह तहरीक तालिबान के बारे में इनको फैसला करना पड़ेगा और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उन दहशतगर्दों के बारे में। इस वक्त सिटिंग सेनेटर्स हैं और MNAs हैं कि जो TV पर आकर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे भी राजी नहीं होंगे, अमेरिकन और ब्रिटिश से हमारी बात चल रही है, MI6 और CIA हमें सपोर्ट कर रही है और हम पाकिस्तान की रियासत से अलग होना चाहते हैं। See how openly they are, you know? इसलिए कि वो मौका देख रहे हैं ना, उनको हौसला दे दी, शह दे दी गई है CIA और MI6 की तरफ से, और साथ साथ ये देखते हुए कि पाकिस्तान में कमजोर हुकूमत है, कमजोर मरकज है, जब हमारा इंटीरियर एडवाइजर ये मशवरा दे रहा है कि बलोचों के मसाइल का हल ये है कि टोटल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए इनको, इन हालात में कि जब पाकिस्तान चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है, ये मशवरा पाकिस्तान के लिए खुदकुशी होगी। वो किस नीयत के साथ ये मशवरा दे रहे हैं, इस बात का जवाब भी उनको देना होगा। क्या वो देखते नहीं है कि हालात मुल्क में आसपास क्या बने हुए हैं इस वक्त, और प्रैक्टिकली हुकूमत के अंदर ऐसे एलिमेंट शामिल हो चुके हैं जो मीर जाफर और मीर सादक के दूसरे नाम है आज के दौर में, ननंग मिल्लत ननंग कौम, महन फरोख्तन व चर्जा फरोख्तन, वतन बेचा और क्या सस्ता बेचा इन्होंने। मगर अल्लाह के फजल से जैसे बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान में इनको मार पड़ी, जिनको एसेट्स ऑन ग्राउंड थे तहरीक तालिबान और BLA, इनको बुरी तरह मार पड़ रही है, हुकूमत डिफेंसिव हो गई है, अपने आप को दुरुस्त कर रही है, पहली मरतबा इंटीरियर एडवाइजर को आके ओपनली एक्नॉलेज करना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले इंडियंस हैं और अफगान एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में फसाद कर रहे हैं। That was shocking for me, seriously. लेकिन उन्होंने अमेरिकन का क्यों नहीं नाम लिया कि अमेरिकन फसाद नहीं बर्पा कर रहा है, सारा फसाद CIA का बर्पा किया हुआ, हमने इस प्रोग्राम का नाम रॉ थ्रेट तो नहीं रखा, मुसाद थ्रेट तो नहीं रखा, वो भी है लेकिन अम्ब्रेला CIA की है, CIA की है। और दिस इज द रीजन के अमेरिकन के अफगानिस्तान में मौजूदगी की वजह से, जैसा आज का बयान है हिलरी क्लिंटन का, शी सेड के पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें अमेरिका भी खुद भी जो है वो थोड़ा सा उसका भी एक रोल है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? यही बात तो हम आपसे कर रहे हैं, कन्फेसिंग इट नाउ, एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू रियलाइज, दे आर ट्राइंग टू टेल यू। देखिए अब हमें एक फैसला करना पड़ेगा, इस पार्लियामेंट को अब दो फैसले करने हैं। पहला फैसला इस पार्लियामेंट को यह करना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हम क्या सलूक करें, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सेपरेटिस्ट और इस किस्म के सेनेटर्स और MNAs जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इनको बताते खुद गद्दार डिक्लेयर करके इनके साथ वही करना चाहिए जो गद्दारों के साथ हो। दूसरा फैसला जो इस पार्लियामेंट को करना है कि अब अमेरिकन के साथ हम क्या रिलेशनशिप रखें, जब ये बात वाजे हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फसाद फैलाने में उनका बराह रास्त किरदार है, हमें उनकी सप्लाईज हैं जो रोकनी है और हमें साफ साफ मैसेज उनको देना है कि अगर तुमने ड्रोन हमले बंद नहीं किए हमारे ऊपर, अगर तुमने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद नहीं किया हमारे अंदर, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है और तजुर्बा है, हम ये काबिलियत रखते हैं कि जिस तरह सोवियत यूनियन को हमने जहन्नुम में रसीद किया था अफगानिस्तान में, इस तरह तुम्हें भी इन डब्बों में बंद करके तुम्हारे मुल्क में वापस भेज दें। हम गुलबुद्दीन हिकमतयार, जलालुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर को फिर सपोर्ट करेंगे, उसी तरह जिस तरह तुम पाकिस्तान के अंदर BLA और TTP के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हो। अभी हम कर नहीं रहे लेकिन हमें प्रोवोक नहीं करो, अगर हमने फैसला कर लिया कि हम ये करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, एसेट्स भी हैं, तजुर्बा भी है और विल भी है, एंड इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अमेरिकन एंड अफगानिस्तान एज वी डिस्ट्रॉयड द सोवियट्स, वी कैन, बाय अल्लाह वी कैन, हमें नहीं छेड़ो, हम बहुत अरसे द मैसेज दैट द अमेरिकन शुड हियर लाउड एंड क्लियर टू फ्रॉम अस, और ये पेट्रियट्स द पाकिस्तानीज इस्लामिस्ट, वो जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो डेली रोजी कमाता हो या अरबपति पाकिस्तानी ताजर और बिजनेसमैन हो, उन सबके एक ही जज्बात हैं कि अमेरिकन पाकिस्तान में छेड़छाड़ बंद करो, प्लस अफगानिस्तान में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, अफगानिस्तान का ना तुम्हारे पास पासपोर्ट है, ना तुम पश्तो और फारसी बोलते हो, यू गॉट नो बिजनेस इन अफगानिस्तान, यू आर एन ऑक्यूपेशन फोर्स, लीव दैट कंट्री, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान को छोड़ेंगे उस वक्त पाकिस्तान में फसाद बंद होगा, क्योंकि ये खुद वहां बैठ के इंडियंस और इसराइली उनके अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान में फसाद बर्पा किए हुए। नाउ दीज आर द मैसेजेस, और अल्लाह के फजल से जब ऑन ग्राउंड उनके तमाम एसेट्स खत्म होना शुरू हो गए, पॉलिटिकल एसेट्स उनके कमजोर पड़ना शुरू हो गए और मीडिया में उनका सारा खेल खोल दिया गया, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, इस तरह बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी भी अब खुल के इस बात को कर रहे हैं, सारा खेल एक्सपोज हो गया उनका, अमेरिकन आर ऑन द डिफेंसिव। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा पाकिस्तानी पेट्रियट्स ने हमने काउंटर अटैक किया है एंड वी आर गेनिंग ग्राउंड। जो CIA थ्रेट टू पाकिस्तान Part 1 जो प्रोग्राम था उससे और आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ये अप्रैल का तकरीबन आखिर आने वाला है, और अल्लाह के फजल से हमने जो ग्राउंड गेन किया है, एवरी डे दैट वी आर पासिंग इज बेटर देन द डे वी हैव स्पेंट यस्टरडे। अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर। कौम को हम कहते हैं तसल्ली रखिए, अल्लाह के फजल से कोई मुल्क नहीं टूट रहा, कोई कयामत नहीं आ रही, कोई बलूचिस्तान अलग नहीं हो रहा, कोई तालिबान कब्जा नहीं कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी गई है लेकिन वो फसाद कर सकते हैं, दहशतगर्दी होती रहेगी। बहसियत एक कौम अब हमको मुतहद होकर मजबूत मुनज्जम फैसले करने हैं, हमारी पार्लियामेंट को भी डिलीवर करना है
हमारे मीडिया को भी डिलीवर करना है, हमारी आर्म फोर्सेस को भी डिलीवर करना है. वी ऑल हैव टू रियलाइज इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस ऑन ग्राउंड एंगेज हैं उनके साथ, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है. हम तालिबान को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते. आप उनको एयर टाइम मत दीजिए, उनको प्रमोट मत कीजिए, उनके थ्रेट को एग्जैजरेट करके मत प्रेजेंट कीजिए ताकि कौम मायूसी में चली जाए. समथिंग वी कैन डू और ये सब हमारे हाथ में है क्योंकि मीडिया हमारे पास है. बिल्कुल. अगर दुश्मन ये बात करे तो हमें समझ में आती है. जब हमारा मीडिया अपनी जहालत में ऐसी बातें करने लगे कि पूरी कौम को डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में डाल दिया. आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ गई है और सब आके कहते हैं कि मीडिया देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया. बिल्कुल सही साहब. इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कौम के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? डोंट दे रियलाइज किसका मीडिया है? दुश्मन का मीडिया है, हमारा मीडिया है. ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, ये फिफ्थ कॉलम ऑफ द एनिमीज है. इनको होश में आना पड़ेगा. कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट करके बना रहे हैं. सवाद का वीडियो चला दिया कि लड़की पे कोड़े पड़ने, बाद में कहते गलती हो गई. Exactly, फेक वीडियो. बिल्कुल. और पूरे कई घंटे यही नहीं पता चलता कि रीजन क्या है. पूरी कौम पागल होती रही. बिल्कुल, क्या हो रहा है? बिल्कुल. ये क्या हशर कर रहे हैं? सो एनीवे, बट द पॉइंट इज कि घबराने की जरूरत नहीं है. अल्लाह के फजल से सिचुएशन इज गेटिंग अंडर कंट्रोल. पाकिस्तानी पेट्रियट्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, हमारी ISI और पाकिस्तान के तमाम करने वाले सियासतदान और मीडिया वाले अब रीग्रुप होके हम इस सारे खेल को समझ भी चुके हैं, काउंटर अटैक भी कर रहे हैं. पहली मर्तबा इन लास्ट टू इयर्स एंड पाकिस्तान इज कंफ्यूज्ड. अब उन्हें कुछ नहीं, As you said, they're defensive now. इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हमने क्या करना है. वो ये प्लान कर रहे हैं. अभी भी उनका प्लान उनके जहन में है कि पश्तून रीजन को अलग करके एक अफगानिस्तान को दो हिस्सों में कर दिया जाए और नॉर्दर्न अलायंस वालों को यह कहें कि जी अगर हम ना रहे अफगानिस्तान में तो पश्तून आपको खा जाएंगे, लिहाजा हमारी मौजूदगी नॉर्थ में होनी चाहिए और साउथ का इलाका जो है वो जंग का इलाका छोड़ दिया जाएगा, क्योस और अनार्की वहां छोड़ देंगे. ये इनका खाम ख्याल है. करें कोशिश कर लें. ये जहां पख्तूनिस्तान बनाने जा रहे थे, हो सकता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऐसी कन्फेडरेशन बना दे कि पाकिस्तान का एक्सटेंड इन्फ्लुएंस जो है हमारा अफगानिस्तान के अंदर इतना आगे तक एक्सटेंड कर जाए, जो ऑलरेडी है. तमाम अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल होती है. बिल्कुल. लाखों के तादाद में अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान एक एक गंदम का दाना जो अफगानिस्तान में खाया जाता है पाकिस्तान से जाता है. हमारा कपड़ा पहनते हैं, हमारा बर्तन इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. उनके साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है. लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो हमारे भाई हैं, हमारे वजूद का हिस्सा हैं. तारीखी तौर पर हम एक ही कौम, एक ही जबान बोलने वाले, एक ही मजहब वाले लोग हैं, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं. अमेरिकन अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फर्क डाल के फसाद बर्पा करवाते रहेंगे पाकिस्तान में, तो ये उनकी गलत फहमी है. फैसले पाकिस्तानी कौम को करने. अफगानिस्तान के लोग तो इंतजार कर रहे हैं, ना वो ईरान जा सकते हैं ना सेंट्रल एशिया जा सकते हैं. उनके पास तो रास्ता ही सिर्फ पाकिस्तान का है. अगर हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ एक अफगान नॉर्दर्न अलायंस के लोग हों या पश्तून हों या ताजिक्स हों या नॉन ताजिक्स हों, हमें सबको सीने से लगाना है और हमें डायरेक्ट एंगेज करना चाहिए उनको, अमेरिकन को परे करके. जिस तरह हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगे में फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान के तमाम पार्टीज के साथ अब बातचीत शुरू करें. वी शुड डिक्टेट आवर पॉइंट्स नाउ. वी शुड डिक्टेट आवर टर्म्स. पाकिस्तान शुड लॉन्च एन अफगान पीस इनिशिएटिव. पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगा अमेरिकन को अलग करके हम खुद बात करेंगे. बिल्कुल. अमेरिकन आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. और उनकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही है. हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर हम चंद मजबूत फैसले कर लें तो इस पूरे खित्ते को हम कंट्रोल कर रहे होंगे. अमेरिकन पॉलिसी बुरी तरह फेल हो चुकी है, वो शिकस्त खा चुके हैं. ये मौका हमारे सामने ये है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ये पाकिस्तानी कौम अगर ये पाकिस्तानी हुकूमत डिलीवर नहीं करती, फिर इस हुकूमत को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े तारीखी मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे. तारीखें बड़े बड़े मौके देती हैं कौमों के सामने, अगर वो मिस कर दी जाए तो फिर सदियों में सजा काटनी पड़ती है, दिहाइयों में कीमत अदा करनी पड़ती है. इस वक्त कौम को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, आर्म फोर्सेस को, मीडिया को कलेक्टिवली कॉमन फ्रंट बनाना है. रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है सर हमारे पास. रिप्लेसमेंट हमारे पास निकल आएगी. हमारे पास एक ग्रुप, क्या पूरे मुल्क के अंदर हम 10-15 ऐसे पेट्रियट पाकिस्तानी गैरतमंद और दलेर पैदा नहीं कर सकते जो इस मुल्क को चलाएं? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसी बात ना करें कि रिप्लेसमेंट नहीं है. अल्लाह के फल से इस मुल्क में, इस सिस्टम में रिप्लेसमेंट नहीं ऊपर आती तो सिस्टम को तब्दील कर देंगे. फिर हम अगर अदलिया का निजाम डिलीवर नहीं कर सका तो सवाद के लोगों ने बगावत करके वो निजाम ले लिया ना जो लेना था. बिल्कुल. फिर अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा फिर हम उसको रिप्लेस करके वो निजाम ले आएंगे जो डिलीवर करेगा. और हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि राइटिंग इज ऑन द वॉल. अब पूरा खेल दुश्मनों का खुल चुका है और हुक्मरानों का रोल उसमें नजर आ रहा है कि क्या है. या तो वो दुश्मनों का साथ दें या कौम का साथ दें. अगर वो कौम का साथ नहीं देंगे फिर हम वही बात दोबारा कहते हैं कि उस वक्त से डरे कि जब इस्लामाबाद के खंभों पर लटके हुए होंगे. और अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो परवाह नहीं करता कि आज उनके आगे कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने सिक्योरिटी गार्ड उनके आगे और पीछे. बड़े बड़े बादशाह उनसे पहले भी बड़ी बड़ी सजाएं पा चुके हैं और ये उनसे बड़े नहीं है. पाकिस्तान अल्लाह की इमानत है, अल्लाह के राजों में से एक राज है. एक शानदार अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के सामने अल्लाह ने इस वक्त दी हुई है.
इस अपॉर्चुनिटी को बहसे कौम हम जाया नहीं कर सकते इस वक्त, वी नीड टू एक्ट, वी नीड टू डिलीवर। और खासतौर पर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, खुल के मीडिया अमेरिकन और इसराइली और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की शह पे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान को अलग करने के लिए, अल्लाह से डरें, क्योंकि उनके नाम हम भी नोट कर रहे हैं। फिर उस वक्त से डरें कि जब पाकिस्तानी पेट्रियट्स और नेशनलिस्ट काउंटर अटैक करेंगे, ये जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान पहले टूटता है या इनकी गर्दनें उतारी जाती हैं। हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ मत बात करो, वी हैव सीन यू इनफ, बहुत हो चुका है ये 60 साल में मजाक तुम्हारा, कभी पख्तूनिस्तान कभी बलूचिस्तान आजाद, ये पाकिस्तान का एक मरकज है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू है, हमारी लाशों के ऊपर से तुम पहुंचोगे इस पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के लिए। एंड बाय गॉड, हम 17 करोड़ लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल, तुम चंद सौ अगर अपनी इज्जत और आबरू बेच भी चुके हो दुश्मनों के हाथों, इंशाल्लाह तुम रोन दिए जाओगे, ये अल्लाह का फैसला है, हम सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे इसको इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए, पाकिस्तान अल्लाह के फजल और करम से आफियत में, घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला रखें, अगर आप मायूस हो गए तो दुश्मन का प्रोपेगेंडा जीत गया, मायूस मत होइए, इस पैगाम को फैलाइए, हाथों में हाथ दें, एक कौम की हैसियत से एक मजबूत होकर मुनज्जम होकर हमने इस थ्रेट का मुकाबला करना है। थ्रेट्स हैं लेकिन जिंदा कौमों को ही थ्रेट्स आते हैं, और गैरतमंद कौम ही फिर उसमें से अपना रास्ता निकाल के अपना उरूज हासिल करती हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना और कायम रहेगा, हौसला रखें। जैद साहब, आज यहाँ बैठने से पहले मेरे जहन में सवालात का अंबार था, जो कि आपने तमाम के तमाम यू नो यू आंसर्ड देम सो वेल, आई एम रियली 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 ग्लैड, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंस। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 4 यहीं पर खत्म होता है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जैसा कि मैंने बात की थी, जो कियोस है, जैद साहब की बातें सुनने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलना शुरू होती हैं, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी राइट नाउ, यू कैन नॉट इमेजिन, एंड आई जस्ट होप कि आपने भी आज की जब भी एपिसोड आप देखेंगे तो यकीनन आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप एक बेटर पिक्चर अपने माइंड में पाकिस्तान के और पाकिस्तान के फ्यूचर की जो है वो बना सके, पाकिस्तान के सुनहरी मुस्तकबिल की जो तकदीर है वो लिखी जा चुकी है, इस अपने आप को इसका हिस्सा बनाइए। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।